2022 राजस्थान होमगार्ड का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका और ऑफिशियली आपने देख भी चुका होगा, मगर राजस्थान होमगार्ड रिजल्ट की सबसे बड़ा अपडेट आया कि दोस्तों, जिसमें आपका बहुत ही बड़ा अपडेट, जिसके बारे में क्या बोलूं दोस्तों। सबसे बड़ा बात, आपको वीडियो को कंटिन्यू देखना, पता चल जाएगा राजस्थान होमगार्ड रिजल्ट की तरफ से कौन सा सबसे बड़ा अपडेट आया है और क्या खबर है। तो राजस्थान, सबसे पहले आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि अगर राजस्थान होमगार्ड के बारे में कोई भी जानकारी, किसी भी प्रकार की, जो हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है राजस्थान होमगार्ड की, तो आप जाके उसमें टोटल आपको राजस्थान होमगार्ड वॉलेंटियर और आरक्षित होमगार्ड दोनों की जानकारी यहाँ मिल जाएगी। तो बात करते हैं राजस्थान होमगार्ड का सबसे बड़ा अपडेट क्या। तो दोस्तों, राजस्थान होमगार्ड का जो रिजल्ट अभी डिक्लेयर हुआ है, तो आप सब ने अपना रिजल्ट चेक कर लिया होगा, ये ऑफिशियल है, क्योंकि चेक कर लिया होगा। बहुत से भाइयों का नंबर आया है, किसी भाइयों का नहीं आया, क्योंकि मैं मानता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी संख्याओं में जो सीट थी उसको छोड़कर बहुत ही कम एवरेज में इन्होंने अभ्यर्थियों को पास किया है। तो ये तो एक कोई ये डिपार्टमेंट का इशू है, मैं इसमें कोई बात नहीं करना चाहूँगा। सबसे बड़ा अपडेट क्या है, ये अपडेट मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले, जो राजस्थान होम गार्ड का जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, तो शायद ये रिजल्ट दोबारा से आ सकता है, 99% संभावना है ये रिजल्ट दोबारा से आएगा। क्यों, बाय मिस्टेक कौन सी टेक्निकल प्रॉब्लम हुई, इस वजह से राजस्थान होम गार्ड अपना रिजल्ट दोबारा से अपलोड करेगा, तो इसकी जानकारी आपको लेना अति आवश्यक है। तो मैं ये बता देता हूँ, क्योंकि राजस्थान होमगार्ड ने क्या किया था, आज से 3 से 4 महीने पहले जो आंसर की अपलोड की थी राजस्थान पुलिस की, साथ साथ जो आपने बहुत से भाइयों ने देखा होगा कि राजस्थान होमगार्ड का और राजस्थान पुलिस का दोनों का आंसर की एक साथ ही अपलोड हो चुका था। तो बाय द वे, जो मिस्टेक थी वीडियो के अंदर मैं बता देना चाहता हूँ, साहब जो आंसर की जो अपलोड हुई थी बाय डिफ़ॉल्ट, वो आंसर सी की जो गलत थी, और जो रिजल्ट जो सभी को देखना था, तो जैसे कि ए बी सी डी जो सीरीज की थी, तो किसी को ए वाली बी, तो हम कह सकते हैं कि जो आंसर की अपलोड हुई थी वो टोटली गलत थी, और इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं जो रिजल्ट अभी डिक्लेयर हुआ है, तो शायद हो सकता है ये रिजल्ट दोबारा से डिक्लेयर होगा, आंसर की ही गलत है तो रिजल्ट भी दोबारा आना चाहिए। तो मेरे हिसाब से दोबारा से कॉपियाँ चेक होगी, दोबारा से रिजल्ट घोषित होगा। जो भाइयों ने अपना एवरेज आंसर की से जो लगाया था, तो हो सकता है कि जिन भाइयों का नंबर अभी नहीं आया, उन भाइयों का नंबर आ सकता है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और शायद हो सकता है बहुत ही जल्दी इस पर आपको अपडेट मिल जाएगा। इसका ऑफिशियल जो राजस्थान होमगार्ड की साइड से जाके देखिए, आपको ऑफिशियल अपडेट मिल जाएगा। और इसी प्रकार का न्यू फटाफट अपडेट के लिए आप इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाला नेक्स्ट वीडियो आपको जरूर मिल जाए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, चैनल को सपोर्ट कीजिए भाई, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को, आपको होमगार्ड से रिलेटेड बहुत जल्दी अपडेट मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच, आज के वीडियो में बस इतना ही, और बस यही अपडेट था कि आंसर की गलत थी और रिजल्ट शायद दोबारा आ सकता है। मैं कह नहीं रहा कि 100% रिजल्ट दोबारा से आए, 99% चांस है कि रिजल्ट दोबारा से आ सकता है। तो बस इतना सा था आज के वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।